ब्लास्टोसिस्ट, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट कल्चर? IVF में, नेचुरल साइकिल में, ह्यूमन बॉडी में एम्ब्रियो की ग्रोथ जब होती है तो 5वें दिन का एम्ब्रियो जो बनता है वो ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये वो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है जो जाके गर्भाशय में इम्प्लांट होता है, अटैच होता है, जिससे प्रेगनेंसी आती है। इसका रेलेवेंस ये है कि लैब में जब हम एम्ब्रियोस की बढ़त करते हैं, अंडे निकाले, शुक्राणु से मिलाए, भ्रूण बनाया और उसकी बढ़त हमने देखी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आमतौर पे ब्लास्टोसिस्ट 5वें दिन पे तैयार हो जाते हैं, पर कभी कभी डिलेड ग्रोथ की वजह से ब्लास्टोसिस्ट 6ठे या 7वें दिन पे भी बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में कुछ सेल्स बाहर की लेयर में होते हैं और कुछ सेल्स अंदर की लेयर में होते हैं, और इसकी ग्रेडिंग अलग तरीके से की जाती है, तो इसके साइज के हिसाब से, बाहर की लेयर के हिसाब से और अंदर की लेयर के हिसाब से। जितना अच्छा ब्लास्टोसिस्ट होता है उतनी अच्छी उसकी पोटेंशियल होती है इम्प्लांट करने की और अच्छी प्रेगनेंसी आउटकम देने की। तो कोशिश ये रहती है कि सारे एम्ब्रियोस का ब्लास्टोसिस्ट कल्चर किया जाए, यानी एम्ब्रियो को लैब में 5वें दिन तक की बढ़त देने का प्रयास किया जाए। इसके लिए कभी कभार 3रे दिन पर मीडिया, यानी जो फ्लूइड जिसके अंदर एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही होती है, उसको चेंज किया जाता है, या फिर सेम मीडिया को ही कंटिन्यू करके 5वें दिन की बढ़त देखी जाती है। पर ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे ये निर्भर करता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, मात्रा कैसी है। हमारे पास यदि एम्ब्रियोज अच्छे नंबर्स में होते हैं, ए ग्रेड के होते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट बनने की संभावना उतनी ही अच्छी होती है। तो सभी महिलाओं में, सभी कपल्स में ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन पाते हैं। साथ ही लैब की कंडीशन पर निर्भर करता है कि ब्लास्टोसिस्ट अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, और यदि ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस कुछ 5-7% बेहतर हो जाता है एज कम्पेयर टू जब हम 3रे दिन के एम्ब्रियोस एम्ब्रियो ट्रांसफर में प्रयोग करते हैं। पर 5वें दिन का एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफर भी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से इंश्योर नहीं करता, क्योंकि और बहुत कारण होते हैं IVF फेलियर के। साथ ही ए ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वो जेनेटिकली भी नॉर्मल हो। कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट यदि ए ग्रेड है तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं हो सकती या मिसकैरेजेस नहीं हो सकते और प्रेगनेंसी 100% आती है, बट ऐसा सच नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोस की भी, अब यदि एम्ब्रियो बायोप्सी की जाए, उनकी सैम्पलिंग की जाए, उन पे जेनेटिक टेस्ट किए जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जेनेटिकली नॉर्मल आए। ये एक कारण बन सकता है फेलियर होने का, मिसकैरेज होने का। तो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का प्रयास करना चाहिए यदि हमें प्रेगनेंसी के आउटकम एनहांस करने हैं, पर ये तभी मुमकिन है जब एम्ब्रियोस की मात्रा और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और लैब कंडीशंस अप्रोप्रिएट हो ब्लास्टोसिस्ट बनाने के। आप जो भी IVF सेंटर का चयन करें, ज़रूर मालूम करें वहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का रेट क्या है, वो लैब क्वालिटी को दर्शाता है।